नमस्कार, आपका बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल पर स्वागत है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मिनरल एवं माइनिंग उद्योगों का अहम योगदान है। मार्बल, ग्रेनाइट और अन्य स्टोर्स ने वैश्विक स्तर पर प्रदेश को पहचान दिलाई है। इस उद्योग के यथार्थ कार्य करने वाली संस्था है सिडोस। हाल ही में सिडोस के चुनाव में वाइस चेयरमैन पद पर राकेश कुमार गुप्ता निर्वाचित हुए हैं। बिजनेस रेमेडीज के सीनियर एडिटर धैर्यवर्धन सिंह ने उनसे उनकी कारोबारी पृष्ठभूमि, प्राथमिकता एवं कारोबारी समस्याओं के संबंध में चर्चा की। नमस्ते, मैं धैर्यवर्धन सिंह, मैं बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज आए हैं हम सिडोस के नवनियुक्त वाइस चेयरमैन श्रीमान श्री राकेश कुमार गुप्ता साहब। गुप्ता साहब नाइस ग्रुप जो कि मार्बल और ग्रेनाइट क्षेत्र में कार्यरत है, उनको स्टोन इंडस्ट्री का लंबा अनुभव है। हाल ही में वो स्टोन के हितार्थ कार्य करने वाली प्रमुख संस्था सिडोस, जिसे राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें आप वाइस चेयरमैन बने हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी पृष्ठभूमि रही है, क्या उनकी अध्यक्ष वाइस चेयरमैन के रूप में क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, और जो भी स्टोन इंडस्ट्री के साथ में जो समस्याएं चल रही है उसमें भी उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम रुक करते हैं श्रीमान राकेश गुप्ता साहब। नमस्कार साहब, मैं राकेश गुप्ता सिडोस के वाइस चेयरमैन के इलेक्शन के लिए जीता हूं, और हमारे अगेंस्ट में दो मेंबर खड़े हुए थे, मेरे को 12 वोट मिले हैं, दूसरे एक एनके मोदी साहब खड़े हुए थे उनको 6 वोट मिले, और एक रवि शर्मा जी मिले थे उनको 6 वोट मिले। मैं 12 वोट से मैं इलेक्शन जीता हूँ। मेरे इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, और जितने भी हमारे लोग हैं मिलने वाले हैं सबने हमको वोट दिए। वैसे मैं इस इंडस्ट्री में 25 साल से जुड़ा हूँ। 1995-96 में मैंने ये मार्बल ग्रेनाइट का बिजनेस स्टार्ट किया था नाइस ग्रुप के नाम से, तो मैं अभी 25 साल से कंटिन्यू ये काम कर रहा हूँ। मेरी फैक्ट्रियाँ हैं, एक्चुअली ओंगर में फैक्ट्री है, बगलू में है, इधर गुजरात में है, इधर मदुरई में है, मेरी माइंस भी ब्यावर में है, एक नया क्वार्ट्स का सेज में प्लांट भी आ रहा है। तो मैं रेगुलर इस इंडस्ट्री में से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं 10 साल से सिडोस का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ, 10 साल से फिक्सी का भी मेंबर रहा हूँ, और दो टर्म्स में मैं वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी बना हूँ। इधर मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी इसी मेंबर हूँ, बीच में ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, वहाँ पे 40 से भी जुड़ा हुआ हूँ, 40 का भी कंटिन्यू स्पेशल इन्वाइटी मेंबर हूँ। इधर मैं जयपुर क्लब का मेंबर हूँ, जय क्लब का मेंबर हूँ, इधर गोल्फ क्लब का मेंबर भी हूँ। तो मैं काफी चीजों से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा ये जो अभी 22 चैनल बनाया है ये मेरी प्रायोरिटी जो स्टोन इंडस्ट्री में जो जो नए नए चेंजेस हो रहे हैं और कुछ नया चेंजेस आ रहा है उसको भी मार्केट में लोगों को एक्सेप्ट कराना है। और 2022 में स्टोन मार्ट के नाम से एक हम लोग सिडोस एक फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको हम चाहते हैं कि और अभी बीच में जो पेंडेमिक चल रहा है एक साल ये स्टोन फेयर नहीं लग पाया था, बट इसको पोस्टपोन करके 2022 में लगाने का है। तो अभी इसको भव्य तरीके से करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंच इसमें पहुंचानी है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे जितने भी अभी जो टर्की का फेयर था वो इतना सक्सेसफुल नहीं गया, इवन इटली का फेयर भी सक्सेसफुल नहीं गया, बट अभी 2-1 महीने में गवर्नमेंट काफी रिलैक्सेशन दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि 2022 का फेयर सबसे बढ़िया फेयर जाएगा, और आने वाले टाइम में ये फेयर अपने आप में एक नई आवाम को छुएगा, जिसमें अभी राजस्थान में जिस हिसाब से मार्बल ग्रेनाइट का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, लोग नए नए एंटरप्रेनर आ रहे हैं यहाँ पे, अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि जयपुर से लेके और किशनगढ़ तक कम से कम 700-800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नया है। लोग बाहर के एंटरप्रेनर भी आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री के एंटरप्रेनर भी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इवन बैंगलोर से और हैदराबाद से भी काफी एंटरप्रेनर आके यहाँ पे फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये राजस्थान का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा ग्रेनाइट मार्बल के लिए, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट की स्कीमें आ रही हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10 करोड़ तक के लोन पे 6% की सब्सिडी दे रखी है, इसका लोग काफी फायदा उठा रहे हैं और काफी अच्छा बिजनेस यहाँ पे डेवलप, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने यहाँ पे अभी जो लैंड को यूज करने के है तो उसमें कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लेती है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूमिंग रहेगी और धीरे धीरे इसको मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ये मेरी सोच है। सर, हाल ही में जिस तरीके से जो समस्या देखी है कि रॉयल्टी बढ़ाने को लेके एक वो था,
कि इंडस्ट्री अभी थोड़े से कोरोना से उभर के आ रही है, तो आप क्या कैसे देखते हैं इस स्थिति को और संवाद भी अब क्योंकि आप एक गवर्नमेंट की संस्था से जुड़े, तो एक संवाद किस तरह से आप स्थापित करने में आप इस पूरे देखते हैं? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो लॉयल्टी की रेट बढ़ाई है थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि अभी क्या मार्केट वैसे भी पैंडेमिक की वजह से डाउन है और हर चीज की कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो मेरे समझता हूँ कि थोड़ा गवर्नमेंट साथ में एंटरप्रेन्योर को साथ में रखती, माइंस ओनर को साथ में रखती, जो डिस्कस करती कि साहब ये हम लॉयल्टी रेट बढ़ाने वाले हैं, तो कुछ हद तक हम भी लोग एक्सेप्ट कर लेते कि ये लॉयल्टी इतनी बढ़ा दो, तो थोड़ी गवर्नमेंट रेट बढ़ाई है, मैं समझता हूँ इसको थोड़ा कम करना चाहिए। सर जिस तरीके से स्टोन इंडस्ट्री के लिए नहीं, वो तो पूरे एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए दिक्कत है, जो एक कंटेनर को लेकर जो समस्या आ रही है, कंटेनर की जो रेट्स बढ़ी और अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है, तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा है अभी एक्सपोर्टर्स के लिए, तो इसको कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? अभी सब ये तो सबसे जबरदस्त मुद्दा है कि अभी जो कंटेनर का भाड़ा 500-600 डॉलर था वो 10 गुना 12 गुना हो गया, अभी बहुत ज्यादा समस्या है। जो एक्सपोर्ट हम लोगों का था वो 30% पे आगे रुक गया, क्योंकि हर कस्टमर की कॉस्टिंग माल से ज्यादा के भाड़ा की कॉस्टिंग हो गई, तो हर कस्टमर जो बाहर बैठा है उसके पास ऑप्शन बहुत हो गए कि इंडिया का ग्रेनाइट लगाऊं या मैं आसपास कंट्री में जो ग्रेनाइट मिल रहा है सस्ता मिल रहा है उसको लगा लूं। हर मार्बल ग्रेनाइट की एक कॉस्ट होती है, जितना माल महंगा होगा उसकी डिमांड कम होगी और जितना माल थोड़ा सस्ता होगा उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तो ये हमारे को देखना है कि यदि कंटेनर के भाड़े इसी तरह से रहेंगे तो स्टोन इंडस्ट्री में वास्तव में एक्सपोर्ट के अंदर काफी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। अभी जैसे यूएस का भाड़ा 9,000 डॉलर, 9,500, 10,000 डॉलर का भाड़ा हो गया, टर्की का भाड़ा 7,500 डॉलर का भाड़ा हो गया, जो 600 डॉलर का भाड़ा चलता था, तो हमारे सारे कस्टमर्स कह रहे हैं कि वेट करो, क्योंकि उनको भी कोई आगे कुछ दिख नहीं रहा कि इतना महंगा माल खरीद के वो अपने कस्टमर को सप्लाई भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरफेयर करना चाहिए और शिपिंग लाइन को भी बोलना चाहिए कि इतना भाड़ा मत बढ़ो, हर चीज की एक लिमिट होती है, ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो चीज भी कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, ये मेरी सोच है। सर जिस तरीके से नवाचार की जरूरत है और एक चीज कही जाती है कि मार्बल जो स्टोन इंडस्ट्री उसमें दिक्कत जो स्लरी को लेकर दिक्कत है, और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि सीडोस इस क्षेत्र में काम कर रहा है और लंबे समय से काम कर रहा है, कि कैसे इस समस्या को निजात दिलाई जाए? आप लोगों के कई पहले प्रयास भी रहे सीडोस में, अब आप सीडोस में वाइस चेयरमैन चुन के आए हैं, तो इंडस्ट्री की तरफ से इस समस्या को आप कैसे एड्रेस करेंगे और क्या इसमें आपका प्रभावी प्रयास है? सीडोस ने काफी टाइम से इस पे नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है कि कैसे इस सैलरी को अपन काम में ले सकते हैं। अभी जैसे मोरबी से काफी लोगों के पास मार्बल की सैलरी के ऑर्डर है, ग्रेनाइट की सैलरी के ऑर्डर है, तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे सारे जो एंटरप्रेनर हैं, जो फैक्ट्री वाले हैं, वो अपनी सैलरी को बिल्कुल सेग्रीगेट कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में मोरबी और दूसरी जगह पे ये सैलरी का यूज होने लग जाएगा, तो काफी हद तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा मेरी सोच। ये थे हमारे साथ सीडोस के वाइस चेयरमैन नव नियुक्त राकेश कुमार गुप्ता साहब। देखा आपने कि राकेश कुमार गुप्ता साहब के विचार कितने सुलझे और स्पष्ट हैं, कि क्योंकि आज राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें माइनिंग और मिनरल का एक बड़ा अहम योगदान है, करीब ये कहा जाता है कि 23 जिलों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मिनरल एंड माइनिंग है, तो ऐसे प्रमुख उद्योग के अंदर उसके हितों के लिए काम करने वाले प्रभावी व्यक्तित्व की आवश्यकता थी इंडस्ट्री को। हम उनको भविष्य के लिए और सीडोस की सफलता के लिए उनके शुभकामनाएं देते हैं हम लोग। आप बने रहिए बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल के साथ। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार एवं आईपीओ मार्केट से जुड़ी हर खबर पर हम हैं आपके साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।